असल में मेरा मकसद है, मैंने जो महानगर पालिका को एक निवेदन आज जो दिया हूँ, तो मेरा ये मकसद है। तो हम तकरीबन 5 साल से जो है तो नारेगांव के कब्रिस्तान के लिए जो तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने तकरीबन 10 से 15 मरतबा जो है तो महानगर पालिका को जो है तो इसका जो निवेदन दिए, और बार बार जो है तो प्रशासन की तरफ से हमको जो है तो हमको सिर्फ आश्वासन मिला है कि अब बार बार हमने निवेदन देते रहे, लेकिन हमको कोई उधर से जो है तो उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो आप इस बुनियाद के ऊपर मैंने जो फैसला लिया हूँ, तो कल से जो 17 तारीख से कल 10 बजे से जो है तो मैं अमरण उपोषण यहाँ पे जो महानगर पालिका के अंदर जो करने जा रहा हूँ। तो तमाम अगर से इसके बाद मैं चैलेंज कर रहा हूँ महानगर पालिका को, अगर से यानी नारेगांव के अंदर कब्रिस्तान नहीं मिलता, कब्रिस्तान की जगह नहीं मिलती हमको, तो मैं कल नारेगांव के यानी यहाँ महानगर पालिका के अंदर आखिरी सांस तक मैं जो तो यहाँ उपोषण करने को जा रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। आपने बार बार निवेदन दिया है, फिर भी महानगर पालिका आपके तरफ ध्यान नहीं देती है, आपकी बात पे क्या कहेंगे? देखो, असल तो मकसद जो या नई बस्ती होती है, नई बस्ती चाहे फिर वो हिंदू बस्ती हो, दलित बस्ती हो या मुस्लिम बस्ती हो, तो प्रशासन के जिम्मे होता है वहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए, ये जिम्मेदारी उसकी, चाहे फिर वो महानगर पालिका की जगह हो या फिर वो अपनी जाति तौर पर वो ख़रीद के दे सके, यानी उनको जिम्मेदारी है। कितनी आबादी है वहाँ? तकरीबन अभी आज के दौर से एतबार से 40 से 50 वहाँ पे आबादी है, और आने वाला वक्त 2-5 साल के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लाख की जो है तो वहाँ पे आबादी होने के कंगाल में है। यानी आज तकरीबन वहाँ पे प्लाट, खाली प्लाट, ज़मीन प्रॉपर्टी यानी ज़मीन के प्लाट या टूट रहे, तो मैं समझता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर 1.5 लाख के करीब करीब वहाँ पर जो है तो वहाँ की लोकसंख्या होने का अंदेशा है। देखो, हमारी तो है तकरीबन वहाँ की लोकसंख्या के एतबार से हमको 5 से 6 एकड़ जो है तो कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए, चाहे वो प्रशासन ने अपने तरफ से तौर से लेके जो तो अपना ज़मीन खरीद कर हमको देना चाहिए, वरना वहाँ महानगर पालिका की कई जगह अपने जो तो वक्फ ज़मीन है उसमें से हमको 5 से 6 एकड़ की हमारी मांग है। पोषण पर बैठने के बावजूद भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? मैं जब तक उठने वाला नहीं हूँ, जब तक कि मेरे को यहाँ से जो है तो कब्रिस्तान की जो तो हमको लेटर नहीं मिला, और हमको कब्रिस्तान की जगह के जो है तो वहाँ पे चलकर कमिश्नर साहब ने खुद अपना जगह मेरे को नहीं दिए, तो मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं साहिब खान मठान, एक समाज सेवक, नारेगा औरंगाबाद। बाबा, एक सवाल मेरा है, एक सवाल ये है कि इससे पहले नारेगा के अंदर जनाजा मोर्चे पर निकला हुआ है, कई लोगों ने मोर्चे निकाले हुए, हज़ारों के सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद थे, तो आपको लगता है कि वो इतना होने पर आपको ये कामयाबी भी मिलेंगे? आप देखो, जनाजे मोर्चे में हम भी शामिल थे, वहाँ के हमारे उलमा इकराम शामिल थे, ये तो देखो सबकी ज़रूरत है, यानी सबकी आवाज़, यानी हमको सबको ज़रूरत नहीं कि चलो सिर्फ साहिब खान पठान को ज़रूरत, अकेले को नहीं है, सबको वहाँ के नारेगांव के लोगों की ज़रूरत है। जनाजे मोर्चे में हम भी शामिल रहे, पुलिस स्टेशन में हम भी गए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अब एक ने जनाजा मोर्चा निकला, सब ने वहाँ पे जो है तो पूरे उलमा इकराम भी थे, वहाँ की जनता भी, हर पार्टी का वहाँ पे आदमी था, कोई यानी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो भी संगठन थी वो भी मौजूद थे, ऐसा एक ने नहीं निकाला, सब ने निकाले थे मोर्चा। उम्मीद है कल तमाम पार्टी के लोग भी आपके साथ नजर आएंगे, ऐसा लगता है आपको? उम्मीद है, हो सकता। नहीं आए कभी तो बाबा? नहीं आया तो मैं तो अकेला बैठने वाला हूँ, मेरे अंदर कोई मफाद नहीं है, मैं जो बैठने वाला हूँ इखलास से, जो आएगा भी तो उसका भी जो है तो इस्तकबाल है, नहीं भी आया तो उसका इस्तकबाल है, हमको कोई बुरा यानी हमको मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ तो आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ते रहूँगा। बताइए, आप जब बैठने वाले ऑपरेशन पे तो उसकी तारीख कुछ आपने डिसाइड की है क्या? कल 17 तारीख 10 बजे, ये इसको परमिशन भी मिल चुका है हम आपको। तब नारेगांव को कब्रिस्तान की जगह कम पड़ रही है, आधा एकड़ कब्रिस्तान है मगर वो पूर्ण नहीं हो रहा, क्यों? तो अभी हालात नारेगांव के ऐसे है कि दफन विधि के एक के ऊपर एक 4 लोगों को दफन करना पड़ रहा है, आपकी तरफ से क्या जो है तो अपील करेंगे? गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर महाराष्ट्र हुकूमत ने यह अनाउंस किया था कि हर शहर को 2-2 कब्रिस्तान देने चाहिए। मैं औरंगाबाद के महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जिस ऑर्डर को निकल के 2 साल हो गए हैं, उसके ऊपर अमल बजावनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब महाराष्ट्र सरकार खुद देना चाह रही थी हर शहर के बाहर कब्रिस्तान, तो औरंगाबाद को वो नसीब क्यों नहीं हुआ? क्या ये शहर सिर्फ नाम की राजनीति करने के लिए है, या इस शहर का कभी विकास भी होगा? एशिया का सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला शहर इसको कहा जाता है, और इस शहर के ऊपर एक बहुत खूबसूरत तख्ती लगी हुई है स्मार्ट सिटी के नाम से, लेकिन जब हम इस शहर को देखते हैं
तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ये औरंगाबाद की ज़मीन है या चांद की ज़मीन है, क्योंकि समझ नहीं आता शहर में गड्ढे है या शहर ही गड्ढे में चला गया है। उन गड्ढों में पानी भरता है, उन पानियों पर मच्छर बैठते हैं और फिर उसके बाद डेंगू की बीमारियां बढ़ती हैं। इसके अमराज शहर औरंगाबाद में बड़े हैं। नंबर दो, कब्रस्तानों का मसला जो है, तो नारेगांव आज से कुछ साल पहले बसा, शायद जब वो कब्रस्तान उसके लिए काफ़ी होगा, लेकिन अब नारेगांव की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ पर कब्रस्तान की जगह बढ़ने की अशद ज़रूरत है। और कॉरपोरेशन को और खुसूसन इस शहर के जो है तो जिम्मेदारान को, जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उनका भी ये काम बनता है कि उसके लिए आवाज़ उठाए कि नारेगांव के अंदर जो है तो मूलभूत सुविधाएं भी दी जाए। नारेगांव के अंदर नल का इंतज़ाम नहीं है, नारेगांव के अंदर सड़कों का इंतज़ाम नहीं है, नारेगांव के अंदर पीने के पानी का मसला है। इन मसाइल को भी हल करना होगा, क्योंकि वहाँ पर अब बस्तियाँ बस चुकी है और वहाँ पर रहने वाले इंसान हैं और हमको इंसानियत की खातिर वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। एक मेरा सवाल है, देखिए अपने तैयब जफर साहब, आप भी राजनीति में काफ़ी सालों से, हम भी समाज सेवा हम भी करते हैं मीडिया के माध्यम से, आपको नहीं लगता कि ये सबसे बहुत इंतहाई मतलब निचले दर्जे की बात है कि अब कब्रस्तान के लिए ऑपरेशन करना पड़ा? कब्रस्तान जबकि जिसकी ना नौकरी की नौकरी लगती, ना लोन मिलता, ना डेवलपमेंट होता, कब्रस्तान में गए तो समझो अलविदा हो गए, ना पानी लगता ना बिजली लगती, इसके वास्ते भी ऑपरेशन करना पड़े, तो ऐसी राजनीति को आप किस निगाह से देखते हैं? ये शर्म की बात है साहब, ये काबिले मजम्मत बात है कि जिस शहर को आमदार की शक्ल में, खासदार की शक्ल में एक मुसलमान मिलता है और उस शहर के अंदर फिर मुसलमान कब्रस्तान के लिए लड़ते हैं, ये शर्म की बात है। खैर, हम उनसे उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता भी नहीं रखते, हम अपनी जद्दोजहदों पर यकीन करते हैं, हम अपने किरदार पर यकीन करते हैं, हम अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, क्योंकि कल से जो है तो अली जनाब साहिब खान साहब धरने और आंदोलन पे बैठ रहे हैं भूख हड़ताल के ऊपर कॉरपोरेशन के सामने, इस जो है तो उम्मीद के साथ कि इस धरने आंदोलन के ज़रिए कब्रस्तान का मसला हल होगा।